नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी रंगल। इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ, येडियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, अब राज्य में बीजेपी किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपेगी। भाजपा ने येडियुरप्पा को दिए बहुत सारे मौके, आला कमान के निर्देश पर सभी को अमल करना चाहिए, भाजपा महासचिव सीटी रवि ने कहा। पार्टी में सब कुछ मिला, मैं एक आम कार्यकर्ता, सीटी रवि के बयान पर येडियुरप्पा ने किया पलटवार। लोकतंत्र में सभी को अपनी राय देने का अधिकार, मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कहा। कृष्णा और भीमा नदी क्षेत्र में फिर मंडराया बाढ़ का खतरा, उफान पर नदियां। लगातार हो रही बारिश से हुबली के निकट मालप्रभा में भारी मात्रा में आ रहा है पानी, दर्जनों गांवों में तबाही, कई मकान गिरे। किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कारगिल विजय दिवस 2021, खराब मौसम के चलते द्रास नहीं पहुंच सके राष्ट्रपति, शहीदों को पीएम ने दी श्रद्धांजलि। कोरोना के 39,361 नए मामले, 416 की हुई मौत, 24 घंटे में हुआ करीब 19 लाख लोगों का वैक्सीनेशन। पुलिस ने किया ऑन डिमांड लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले गैंग का भंडाफोड़, पेशे से खिलाड़ी है गिरफ्तार बदमाश। हैरानी की बात है कि 3 आरोपियों में से 2 गोला फेंक और 1 रेसलिंग का प्लेयर है, यह सभी हरियाणा से संबंध रखते हैं। किन्नौर लैंडस्लाइड, मौत के चंद मिनटों पहले फोटो खींचे, ट्विटर पर लिखा, प्रकृति माँ के बिना जीवन कुछ भी नहीं। प्राकृतिक हादसे में मरने वालों में माँ और पुत्र पुत्री समेत 4 राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के 2, महाराष्ट्र और दिल्ली का 1-1 पर्यटक शामिल है। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश से अब तक 149 लोगों की मौत, 100 से अधिक लापता। बिहार असेंबली सेशन, आज से मानसून सत्र का आगाज, तेजस्वी बोले, सीएम नीतीश को सदन में देना होगा हर बात का जवाब। किसानों के धरने में पहुंचे ओम प्रकाश चौटाला को राम राम कहने के लिए भी नहीं दिया माइक, नाराज होकर लौटे। हिमाचल में मौसम बरपाएगा कहर, 4 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। झारखंड सरकार गिरने की साजिश पर बीजेपी एमपी संजय सेठ का बड़ा बयान, बोले, हर मुद्दे पर फेल सीएम सोरेन कर रहे नौटंकी। केरल, दोनों हाथों के बिना जन्मे शख्स के पैर पर लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। अमेरिका में 13 राज्यों के 85 इलाकों में लगी आग, 14 लाख एकड़ जमीन तबाह। तूफान इन्फा ने चीन के पूर्वी तट पर दी दस्तक, उड़ाने रद्द। साउथ चाइना सी के आइलैंड पर सैन्य विमानों की तैनाती कर रहा चीन। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24x7। धन्यवाद।